नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार भी किसान हितैषी सरकार है और किसान और कृषि हमारी नीतियों के सदैव केंद्रीय बिंदु रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार ने निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में निर्णय लेती है, जबकि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को कमजोर करने का काम किया है, उन्हें हमेशा गुमराह कर उनका अहित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस के समारोह के अवसर पर जिला भिवानी के गाँव सिंघानी में आयोजित अन्नदाता सम्मेलन में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि जब से वे सन 1982 और 1984 के दौरान पार्टी के काम के कारण इस इलाके में भ्रमण करते थे तो उस समय रास्तों पर रेत के पहाड़ उड़कर आ जाते थे, लेकिन अब इन इलाकों में टेल तक पानी पहुंचाने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू होने से यहां के किसानों की मेहनत के कारण इस इलाके की भूमि उपजाऊ हो गई है। अब यहां रेत के पहाड़ नहीं दिखते हैं, इसके लिए यहां के अन्नदाता बधाई के पत्र हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, हर समय किसानों के लिए सोचते थे। सबको पता है कि चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में गए और वे आजादी के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार में रहे, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, उनके कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया। परंतु 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और किसानों के हित के लिए नई पार्टी बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जागरूक होकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जो लोग किसानों के साथ राजनीति करते हैं उनको पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग जो हर जगह जाकर किसानों का नाम लेकर धरना देते हैं, रास्ते रोकते हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। विकास कार्य की दृष्टि से उन समय भी लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लिए 112 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। अभी तक के 9 साल के दौरान राज्य सरकार ने भिवानी जिले में विकासात्मक कार्य के लिए 13,800 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें से 10,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और शेष परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। इतना ही नहीं, अकेले लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 3,927 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनमें से अभी 2,421 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 1,500 करोड़ रुपए के कार्य पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं जिनका लाभ गांवों को मिल रहा है। अब किसानों को किसी भी कार्य के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आईटी के युग में अब कृषि क्षेत्र में नए सिस्टम खड़े किए जा रहे हैं। ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का आज जयंती का दिन अन्नदाता सम्मेलन, इस कार्यक्रम का नाम, सबसे पहले मैं किसानों के उस मसीहा जिन्होंने सारा जीवन किसानों के लिए लगा दिया, हमेशा हमेशा वो अमर रहे, उनको अपनी हरियाणा सरकार की ओर से मैं खुद भी चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनका सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूं। ये गांव सिंघानी गांव, ये इलाका, इस इलाके के अंदर बहुत मेरा, जब मैं संघ के काम में घूमता था बहुत ही आना जाना घूमना होता था, चाहे पहाड़ी गांव हो, गिगड़ाऊ गांव हो, बरालू हो, झांझड़ी हो, कुडल हो, आसपास के सब गांव। और वो समय था जब हम कहीं शाम को पहुंच गए और मानो उस गांव में रात को रुके, जिस रास्ते से मोटरसाइकिल लेके मैं जाता था, अगले दिन पता होता था कि वो पूरा उस सड़क के ऊपर रेत का पहाड़ उड़ के आ गया सड़क के ऊपर, अब रास्ता नहीं है, बंद हो गया है। ये उस समय की बात है, सन 82-84 की बात, रेत उड़ के पहाड़ का पहाड़ आ जाता था रास्ते में। लेकिन आज झुके इस किसानी की, इस खेती की जो प्रगति हुई है और पानी की व्यवस्थाएं हुई है, चाहे वो आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, चाहे वो फुहारा सिंचाई से, टपका सिंचाई से, और खेती के इस बढ़ते हुए पगों में आज वो रेत भी नहीं हमें दिखता। आज जमीन उपजाऊ हो गई है, सोना उगलती है ही अपनी जमीन। तो इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। इतनी बड़ी रैली, यानी देखा जाए तो आज एक रैली यहां है और एक रैली के इतने लोग सड़कों पर अभी भी हैं, अभी भी उस दो एक रैली के और लोग हैं। इतना बड़ा एक कार्यक्रम किया जेपी दलाल जी,
आपके आपके सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, जैसा बताया कि आज चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, हर समय किसानों के लिए सोचते थे, और वो जैसा रामकुमार गौतम जी बता रहे थे कि वो कांग्रेस में गए, लेकिन किसानों को कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करके रखा, इनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी आखिर देश की आजादी 1947 के बाद 20 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही, 1967 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और नई पार्टी जाके बनाई केवल किसानों के लिए। वो वकील भी थे, किसान भी थे, हमेशा सोचते थे। उन्होंने एक बार ये कहा 1971 में कि किसान सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस ये कराया जाए और जो उसमें छोटा किसान है, सीमांत किसान है, सारी योजना उसके हिसाब से बननी चाहिए। उस समय एक आंकड़ा आया था कि हमारे जो छोटे किसान हैं, पूरे सब किसानों का 51% ऐसे हैं जो एक हेक्टेयर, डेढ़ हेक्टेयर यानी 3-3.5 एकड़ तक ही उनकी जमीनें थी। आगे बाद में जमीनें बढ़ती चली गई और आज स्थिति यह है कि वो 51% से बढ़ करके छोटे किसान की संख्या 80% से पार हो गई है। भाई बहनों, तो मित्रों, ये बहुत बड़ी एक ऐसी ज्वलंत एक समस्या एक बात है कि किसान की आय बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। जैसा अभी बात आई कि हम मिलकर के खेती करने का स्वभाव बनाएं, फसलों को हम इस ढंग से आगे बढ़ें कि हमारी कैश क्रॉप, हमको अच्छी आमदन की कैसे फसलें मिले, इसके लिए बहुत से प्रयोग अभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। मैं एक एक गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो इस नाते से किसानों के लिए पर्याप्त हमने काम किए हैं। मैं तो विकास की अगर बात करता हूं तो विकास के नाते आज जैसा कुछ उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, इसके अंदर 112 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन आज किए हैं, सारे इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं। और अगर मैं पूरे 9 साल का आपको हिसाब बताता हूं तो मुझे जो आंकड़ा बताया गया है, भिवानी जिले के अंदर हमने 13,800 करोड़ रुपया मंजूर किया जिसमें से 10,400 करोड़ रुपया लग चुका है, बाकी सब पाइपलाइन में है। अकेले लोहारू विधानसभा में 3,927 करोड़ रुपया मंजूर किया जिसमें से अभी 2421 करोड़ रुपया ये लग चुका है और बाकी 1500 करोड़ रुपए के काम अभी पाइपलाइन में भी चल रहे हैं, चाहे वो किसानी का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे गांव के और सारी बातों का विषय हो। गांव गांव में मैं घूम के गया हूं जनसंवाद में, तो मुझे भी संतोष हुआ है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत व्यवस्था परिवर्तन की योजनाएं हमारी बनी हैं, सबका लाभ गांव में मिल रहा है, इसका मुझे संतोष है। हमने बुजुर्गों की पेंशन, ये कहा किसी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर में दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज नहीं बनवाना पड़ेगा, सरकारी अधिकारी घर में आएगा, साइन करा के ले जाएगा, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद शुरू हुई कि नहीं हुई है? किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है, अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है, आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है हाथ खड़े करके बताओ? सब लोगों का पता है। अभी उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते हैं सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव
इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे, आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं। इसको 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते, अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लिए जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएगी तो उसका नाम भी नमो ड्रोन दीदी तुम्हारी बहन, हाँ जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। तो मित्रों कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं जब चिंता इसलिए नहीं कर रहा ना आपको ज्यादा समय ले रहा, मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है, जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। आप पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए, लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं, ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है, ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। चौधरी चरण सिंह जी जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंती मनाते हैं, संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के संभाव से संत कबीर काम करते थे उसी संभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी संभाव से हमारा किसान बंधु सब करते हैं। मैं एक बार संत कबीर जी की जयंती में चला गया तो वहां एक दोहा उनके पढ़ के उनका सुनाया गया मुझे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने कहा यही काम तो हमने करना है सबने मिलके। और उसी दिन मैंने तय किया कि मेरा जो आवास चंडीगढ़ में होगा उसका नाम भी आज से संत कबीर कुटीर रहेगा, उसी दिन बोर्ड लगवा दिया जाके। तो बहनों भाइयों हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति के करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचलित नहीं होता हूं, मैं थोड़ा विचार करता हूं तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है, मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने, उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।